वेलकम वेलकम बैक। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो पिछली वाली वीडियो से रिलेट है, जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो लास्ट वीडियो एंड की थी। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कॉजेज, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वर्किंग स्ट्रेस। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हेन यू आर इन वर्किंग स्ट्रेस तो व्हाट शुड यू डू, यानी अगर आप एक वर्किंग स्ट्रेस में आ गए हैं तो तब आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए पांच चीजें हैं, इन पांच चीजों को याद रखना है आपको। तो जब अगर जैसे भाई, वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस स्पेशली, वो ना आए आपके ऊपर, लेकिन अगर आ गया तो तब क्या करना है, ठीक है। अब आ गया तो उस टाइम भी तो कुछ ना कुछ सिचुएशन को किसी ना किसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से उसको टैकल करना पड़ेगा। तो टैकल किस तरह किया जाएगा इसको, देखिये पहली बात तो ये कि आपको भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको रियलिटी बेस्ड होना पड़ेगा, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी आपको उस टाइम ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैंने गलती की थी, अब स्ट्रेस आ गया है। तो अगर हम उस टाइम ये सोचेंगे कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, कि ये काम मैं पहले कर लेता इस वजह से नहीं हुआ, या पहले कर लेता उस वजह से नहीं हुआ, तो आप कभी भी अपने आप को उस सिचुएशन से नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो बी रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि आपने जो गलती की उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट, उसको एक्सेप्ट करके बैकवर्ड नहीं आना बल्कि ऑनवर्ड जाना है आपको, आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आपको फिर एक स्ट्रेटेजी, एक क्विक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि अब ये हो गया, ठीक है, डन, खत्म कहानी, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी अब एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है इस काम को कंप्लीट करने का, इस काम को पूरा करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ, यानी किस रास्ते के जरिए मैं ये काम कर लूं जो बेहतर हो सके, यानी ना होने से कुछ होना बेहतर हो जाए। तो उसके लिए आपको ये जो आपका मेंटल है, इसको, ये जो आपका दिमाग है, इसको बिल्कुल एक रिलैक्स स्टेट में लाना पड़ेगा। जब ये आपके रिलैक्स हो जाएगा, ये स्टेट आपकी रिलैक्स हो जाएगी, तो आपको खुद ही रास्ता मिल जाता है। हर चीज का एक रास्ता होता है, सिर्फ उसको ढूंढना पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस में आ गए, आपके होंगे एक टेम्परेरी तौर पे मेंटल हो जाएंगे, तो जब एक बंदा मेंटल हो जाता है तो सोचेंगे सलाह खो देता है, तो आपको ये पहले ये चीज रिलैक्स करनी पड़ेगी। तो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है कि इस रास्ते के जरिए मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि करना तो है। देन नेक्स्ट, अगली चीज क्या है कि अगर आपके ऊपर ये वर्किंग स्ट्रेस आ चुका है, तो उस टाइम आपको अपने जो हेल्थ है, हम क्या करते हैं, स्पेशली जो हमारी हेल्थ होती है, हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे भाई अभी अचानक काम का लोड आ गया मेरे ऊपर, ठीक है, काम का प्रेशर आ गया, अब उसमें मैंने नींद छोड़ दी, मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया, अब उसकी वजह से क्या हुआ, अपनी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। अब जब वो काम हो जाएगा, तो उस काम के होने के बाद क्या होगा कि आप किसी ना किसी डिजीज में पड़ जाएंगे, वो आपका हेडेक हो सकता है और व्हाट एवर दैट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी आपको, कि आपको नींद, खाना पीना सब करना है। अब इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग क्या है कि हम लोग एक स्ट्रेस में तभी पड़ते हैं जब हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत तवील टॉपिक है, लेकिन इसको मैं एक शॉर्टेस्ट वे में अगर मैं बताऊं कि आपको अपने स्लॉट्स चेक करने कि किस स्लॉट में मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, उस एक्स्ट्रा काम को हटा के अगर मैं ये वाला काम कर लूं तो शायद जल्दी हो जाए। तो अपने स्लॉट्स को, अपने टाइमिंग स्लॉट्स को आपको मेंटेन करना, ठीक है। ये हो गए हमारे चार बात। पांचवी बात, जब बहुत इंपॉर्टेंट, एक फिजिकली और एक साइकोलॉजिकली मैं आपको बताऊं, जब आप एक स्ट्रेस में आ गए, अब अचानक क्या होता है, हवन नक हो जाते हैं, उसमें एक शॉर्टेस्ट, एक छोटा सा काम आपको अपनी छोटी सी एक्टिविटी करना है, और वो छोटी सी एक्टिविटी आपको क्या करनी है, आपको लेनी एक लॉन्ग, एक डीप ब्रीथ लेनी है। ये साइकोलॉजिस्ट जो है, सब साइकोलॉजिस्ट ये प्रेफर्स करते हैं, जैसे आपके ऊपर स्ट्रेस, आप एक डीप ब्रीथ लें, डीप ब्रीथ, लंबा सांस यू करके आप चार से पांच दफा लेंगे, तो आपका क्या होगा, आपको खुद फील होगा आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज होगी और बॉडी में थोड़ी रिलैक्सेशन आएगी। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में आते हैं, आपके हेडेक और कपकपी शुरू हो जाती है, जिसमें वो जब चीज मेंटेन हो जाएगी, आप फिजिकली तौर पर रेडी हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक अपना काम कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स, ये बात आप लोगों को समझ में आई हो। सो इंशाल्लाह सी यू एज सून एज पॉसिबल, तब तक ले लो।